गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 विषय हिंदी में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, एक छोटा सा प्रकरण दिया है साहित्य। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के बारे में जाना, व्याकरण के बारे में जाना और व्याकरण के अंग कितने होते हैं उनको जाने, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक दिया गया है, जो प्रकरण दिया गया है, जिसका नाम है साहित्य, साहित्य है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं साहित्य के बारे में। साहित्य है क्या, सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है, ठीक है, प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है और साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। आप सुने होंगे कि साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है और समाज के लोकहित में जो रची रचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, वो साहित्य कहलाती हैं। समाज के लोकहित में जो रची गई रचनाएं हैं, जो रची रचनाएं हैं वो क्या है, वो साहित्य कहलाती हैं। और साहित्य ज्ञान का संचित कोष है, साहित्य ज्ञान का क्या है, संचित कोष है। और यह युगों से एकत्रित ज्ञान का क्या है, भंडार है। साहित्य जो है वो युगों से ज्ञान का क्या है, एकत्रित भंडार है, एकत्रित ज्ञान का क्या है, भंडार है। और जो पीढ़ियों से क्या होता आ रहा है, पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है, जो पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। साहित्य दो प्रकार का होता है, पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य, ठीक है। गद्य साहित्य क्या है, गद्य साहित्य सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करना, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार को व्यक्त करना क्या है, गद्य। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार को व्यक्त करना ही क्या है, गद्य है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं गद्य साहित्य के अंतर्गत, गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि क्या आदि आते हैं। यानी गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, उपन्यास, ठीक है, संस्मरण, नाटक आदि आते हैं, ठीक है। हम सभी कुछ जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनके भी नाम जानते हैं, जैसे प्रेमचंद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, मन्नू भंडारी हो गई, जयशंकर प्रसाद हो गए, विष्णु प्रभाकर हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये प्रमुख साहित्यकार है, ठीक है। मैंने बताया गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, पत्र, अनुच्छेद, संस्मरण, निबंध, ये चीजें आती हैं। और गद्य साहित्य के बारे में मैंने क्या बताया, गद्य साहित्य के बारे में मैंने बताया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार को व्यक्त करना ही क्या है, गद्य है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करना क्या है, गद्य है, ठीक है। अब हम पद्य साहित्य, ठीक है, पद्य साहित्य क्या है, जब कोई साहित्यकार, यानी जब कोई साहित्यकार तुकबंदी या लय द्वारा, जब कोई साहित्यकार तुकबंदी या लय द्वारा अपने विचार को क्या करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। जब कोई साहित्यकार
तुकबंदी या लय द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पद्य कहा जाता है। ठीक है, पद्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पद्य के अंतर्गत छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता आदि आते हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पद्य साहित्य के अंतर्गत हमने बताया छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता आदि आते हैं। हम कुछ प्रमुख कवियों को भी जानते हैं, जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। ये क्या है, प्रमुख कवि है। तो आज हम लोग साहित्य के बारे में जाने और ठीक है, और गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, यानी साहित्य दो प्रकार का होता है, पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के बारे में भी मैंने आपको बताया और गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं मैंने बताया, और प्रमुख साहित्यकारों के नाम भी मैंने बताया। दूसरा पद्य साहित्य के भी बारे में मैंने बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।